हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डायल पैड ट्यून्स को हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये पोको का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड वाइब्रेट पर जाना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ये आप देख सकते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिशनल सेटिंग पर। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा है डायल पैड ट्यून्स। तो हम इसको डिसेबल कर लेंगे, यानी कि ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप अपने डायल पैड पर जाएंगे और कोई नंबर डायल करते हैं तो उस पर कोई साउंड नहीं आएगी। ये देखिए, कोई साउंड नहीं आ रही, इसको बोलते हैं डायल पैड ट्यून्स, जो कि हमने ऑफ़ कर दिया है। अगर ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।